तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। एक स्मॉल बॉडी है, मास एम, स्लाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। यहाँ से ये स्लाइड करता, मतलब इस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ जीरो है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है फ्रॉम ए हेमिस्फीयर। द हाइट एट विच द बॉडी लूज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, कितनी हाइट पे जो है कॉन्टैक्ट लूज कर देगी। चलो मान लेते हैं, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, चाहो तो आप इसको याद भी कर सकते हो। और ये यहाँ से तुम देखोगे, चलो मान लो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लूज कर देता है। कौन से टॉपिक का सवाल है बच्चों? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये वर्टिकल से थीटा डिग्री पर अगर कॉन्टैक्ट लूज कर देता, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के करने सभी प्रॉब्लम करने का दो ही इक्वेशन में लगभग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अगर मान लेते हैं ये थीटा डिग्री पर कॉन्टैक्ट लूज कर देता है, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस, ये पूछा जा रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना। द हाइट एट विच द बॉडी लूज द कॉन्टैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन में थीटा पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं पूछा गया, यहाँ पे ग्राउंड से हाइट पूछा गया है। ये वाली हाइट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट लूज किया है तो कितने फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले मैं वो दिखाता हूँ आपको कि हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल एट दिस पॉइंट। सबसे पहले नॉर्मल इधर लगेगा, लेकिन जैसे ही कॉन्टैक्ट लूज होगा नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी लगा देते हैं हम, और एम जी वर्टिकली डाउनवार्ड लगेगी ये, इसके अलावा तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा भाई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये जो कर्व है सेमी सर्कल का, सेंटर की तरफ तो नेट फोर्स कोई ना कोई तो आएगा ही, तभी तो सर्कुलर मोशन होगा यार। तो एम जी का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा, ये थीटा है, तो एम जी का एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा जो कि सेंटर की तरफ आ रहा, और एम जी साइन थीटा जो कि उसको आगे ले जाएगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन सफिशियंट होता है। ये जो लाइन है, इस लाइन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी, एक रेफरेंस एनर्जी है, तो ये जो लाइन है इस लाइन को मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, तो इस लाइन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एनर्जी कंजर्व कराना है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व कराना है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे जीरो ले लेता हूँ, नीचे पे भी ले सकते हो आप, पर कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा ना। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल का इक्वेशन लिखो। अगर मैं सेंट्रीपिटल का इक्वेशन लिखूँ तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स जो है वो एम जी कॉस थीटा और माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर प्रोवाइड करेंगे। बट अगर ये नॉर्मल इक्वेशन है यार, ये इक्वेशन तब है जब कॉन्टैक्ट लूज नहीं है, इफ, बट इफ कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है, कॉन्टैक्ट यहाँ से लूज हो जाता है, जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट लूज कर देते हैं तो उनके बीच नॉर्मल जीरो हो जाता है, तो ये बनेगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कर्व जिसमें पार्टिकल चल रहा है। तो यहाँ से वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी आर कॉस थीटा। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। अब मैं दूसरा इक्वेशन, हमें थीटा चाहिए, ठीक है ना, सब कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो एच आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहे हो, ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी है कंजर्व कराओ। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व कराओगे तो सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे ये वाली जो हाइट है, दिस हाइट इज बेसिकली ये पूरा का पूरा ये वाली हाइट आर है, दिस इज द आर। और अगर ये आर है तो ये वाली हाइट थीटा है, तो ये भी तो आर है, ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर। तो ये वाली हाइट ये कितनी हो जाएगी, हाइट की वैल्यू एच, तो एच आ जाएगी आर कॉस थीटा। तो ये वाली जो हाइट आ जाएगी जिसमें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कराना है, ये आ जाएगी आर माइनस एच। आर माइनस एच मतलब आर माइनस आर कॉस थीटा, मतलब यह आ जाएगा आर वन माइनस कॉस थीटा ऊपर से, क्योंकि मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर, और जहाँ पर कॉन्टैक्ट लूज हो रहा पॉइंट बी पे, इस पॉइंट पे मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराता हूँ दोनों पे। तो अगर दोनों पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराऊँ, तो अगर तुम बात करोगे यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की, तो टॉप पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी जहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो रहा। तो टॉप पॉइंट पे काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल जीरो, क्योंकि रेफरेंस लाइन वही ले रहा, और बी पॉइंट पे जहाँ कॉन्टैक्ट लूज हो रहा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी
माइनस एम जी, और ये वाली हाइट, जो हाइट जितना नीचे आया है यार, ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट कितनी है, आर वन माइनस कॉस थीटा। माइनस क्यों लिया हूँ, क्योंकि ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ ग्राउंड से ऊपर लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस एम जी एच लिखूंगा, और नीचे लिखूंगा तो माइनस एम जी एच लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये वाली, तो अब यही दो इक्वेशन हमें सॉल्व करके यहाँ से, तो इधर आ जाएगा एम जी आर, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम ने एम को यहाँ ख़त्म कर दिया, तो जी आर वन माइनस कॉस थीटा यहाँ से, और यह आ जाएगा और ये टू टाइम्स, और यहाँ वेलोसिटी बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर दी इक्वेशन, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यूज कर लो, तो टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा यहाँ से, और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू जी आर, बी स्क्वायर की वैल्यू जी आर कॉस थीटा के इक्वल है, तो जी आर को ख़त्म कर दिया, तो टू माइनस टू कॉस थीटा और इज इक्वल टू यहाँ से कॉस थीटा बचा, मतलब कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3। तो बहुत सारे क्वेश्चन में तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछ देता है, तो आप इसको याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें ग्राउंड से हाइट इस क्वेश्चन में पूछा था, तो ग्राउंड से हाइट स्मॉल एच की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा की वैल्यू आ रहा है 2r/3। तो इतने ग्राउंड से इतने हाइट पर कॉन्टैक्ट लूज करेगा, या वर्टिकल से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 पे लूज करेगा, तो 2r/3 अगर मैच करूँगा तो मैं बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।